आ जाओ ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अमय मेहता। जैसे कि आप बता दें कि आज कांग्रेस कमेटी द्वारा गरीब तबके के लोगों को खाना स्वास्थ्य सामग्री वितरण की गई है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, ये आपका भी जो कोरोना वायरस हमारे विश्व में फैलता जा रहा है, हमारे उत्तराखंड में भी संख्या बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि सरकार कितनी कारगर साबित हुई है? देखिए, कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ उत्तराखंड राज्य में फैल रहा है और हम सरकार से शुरुआती दौर में कहते रहे कि जब प्रवासी लोग उत्तराखंड राज्य में आएंगे तो स्वाभाविक बात है सरकार को इसके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। हमने कहा था कि आप बेस कैंप बनाने का काम करें। बेस कैंप में अगर जगह नहीं रह जाती है तो तब आप जो है जिले स्तर पर, तहसील और ब्लॉक स्तर पर जाएं। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर रही और उन्होंने सीधे ग्राम प्रधान के कंधों पर क्वारंटाइन की व्यवस्था डालने का काम किया और उसका खामियाजा आज पूरा उत्तराखंड राज्य भुगत रहा है। बार बार न्यायालय सरकार को दिशा निर्देश देने का काम कर रहा है तब सरकार चेत रही है, ये हालत है। मैं कह सकता हूँ कि कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है और आज कोरोना की इस लड़ाई में मैं कह सकता हूँ कि आज चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे और ऑर्गेनाइजेशन हो, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है हम इस लड़ाई को लड़ पाने में सक्षम साबित हुए हैं। आज हालत ये है, ये स्थिति है। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने समुचित व्यवस्थाएं कर दी है। भाई, अगर व्यवस्थाएं कर दी है तो गरीब आदमी दो वक्त के भोजन के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए क्यों मजबूर है? ये जवाब सरकार को देना होगा। सरकार का कोई जवाब नहीं। सरकार तो पिंजरे में कैद है, वो तो पिंजरे से बाहर नहीं निकल रही है। आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, जब तक कोरोना नहीं था तो देश के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में नहीं मिलते थे। जिस दिन से कोरोना हुआ उस दिन से दिल्ली में कैद है। यही कमोबेश स्थिति प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या जंग लड़ेगी सरकार? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो है समय आने पर दोनों ही सरकारों को सबक सिखाने का काम करें। सर, जैसे कि अनलॉकिंग अब कर दी गई है, सर आपको क्या लगता है, सही साबित होगी या नहीं होगी, क्योंकि संख्या तो बढ़ती जा रही है? नहीं, देखिए, अनलॉकिंग करने का भी तरीका होता है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। हालत ये है कि हम लोगों की टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिनके टेस्ट किए हैं उनका बैकलॉग आप देख लीजिए, लगभग 5,000 के करीबन है। हम 80 दिनों में, 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू इम्पोज हुआ था, इन 80 दिनों में अगर आप देखें तो हम 13 जिलों में 13 टेस्टिंग सेंटर नहीं खोल पाए हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, वो कहने के लिए तो मेडिकल कॉलेज है लेकिन कोरोना की टेस्टिंग वहाँ पर नहीं हो रही। तो ये हालत, ये स्थिति, ये व्यवस्थाएँ किसको सुधारनी चाहिए थी? तो राज्य सरकार को सुधारनी चाहिए थी। पीपी किट नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, सैनिटाइजर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो सरकार ने आपको और हमको भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। सरकार कुछ करने वाली नहीं है। आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो हमारी देश की भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं इन मामलों में बिल्कुल फेल होते नजर आ रही है? भैया, मैं कहूँ तो आप कहेंगे प्रीतम सिंह राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बात को कह रहा है। ये तो पूरा उत्तराखंड कह रहा है और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि सरकार आपको कहीं दिखाई दे रही है? जिस सरकार का आज दायित्व तो बनता था कि वो लोगों के बीच में जाते तो क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या इन 22 मार्च को जनता कर्फ्यू इम्पोज किया गया था, 22 मार्च से आज जो है आज तारीख तक बताएं मुख्यमंत्री जी कितनी बार मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले, मंत्रीगण कितनी बार बाहर निकले, ये तो बताइए ना। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। जब सरकार नहीं निकल रही है तो अधिकारी भी नहीं निकल रहा, सरकार निकलती तो अधिकारी भी निकलता। और आज आपने इस बात को देखा होगा, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोग फ्रंट फुट पर खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, गरीब आदमी की आवाज़ बन करके उसको दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। यहीं रुड़की में आप देख लीजिए, हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यशपाल राणा जी अगर अग्रिम पंक्ति में खड़े नहीं होते, यशपाल राणा जी के तमाम साथी जो हैं कांग्रेस के, अगर वो अग्रिम पंक्ति में खड़े नहीं होते तो फिर इस कोरोना की महामारी से क्या सरकार लड़ पाती?
सर कहीं ना कहीं सतपाल महाराज जी को भी लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गरमा गई थी और सत्याग्रह की जगह जगह धरने प्रदर्शन किए गए हैं, सर उस बारे में नहीं। देखिए सतपाल महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि उनके और उनके पूरे परिवार को कोरोना संक्रमित वो हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और जो उत्तराखंड राज्य के लोग कोरोना से ग्रसित हैं वो भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि एक देश में एक कानून के तहत सबके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर यही कृत अगर एक साधारण आदमी करता तो उस पर दुनिया भर के मुकदमे दुनिया भर की धाराओं में जो है लगा करके सरकार कार्रवाई करती, क्योंकि सतपाल महाराज जी जो है मंत्री हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों जो है दोहरा मापदंड सरकार अपनाने का काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को। सर भाजपा का ये भी कहना है कि कांग्रेस की सरकार है इस वैश्विक महामारी के टाइम पर भी राजनीति कर रही है, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए भाजपा के लोग सिवाय प्रभु गंडे का अतिरिक्त कुछ करने वाली नहीं है। मैं तो याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि वो अच्छे दिन आ गए भाई, ये भी हमने कहा था 15 लाख खातों में आएंगे, ये क्या हमने कहा था? एक सर के बदले 10 सर आएंगे, ये हमने कहा था? जनधन के खाते खुलवा कर उसमें पैसा डालेंगे, क्या ये हमने कहा था? आज भी लोगों को जो है लाइन में लगा दिया कि खाते खोलिए, पैसा आएगा या नहीं आएगा भगवान भरोसे। आप मुझे ये बताइए ना, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2017 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा था कि हम सत्ता में आएंगे हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? तो क्या हुआ किसानों का ऋण माफ़? किसान आत्महत्या कर रहा है लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, ये हालत है, ये स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को देश और प्रदेश के लोग भली भांति समझ चुके हैं और जिस दिन वक्त आएगा समय आएगा आप देखेंगे कि इन दोनों ही सरकारों को लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जैसे कि हम बता दें इस समय हमारे साथ पूर्व मेयर यशपाल राणा जी भी हैं, आइए भी हम भी उनसे वार्तालाप करते हैं इस बारे में। हाँ सर, पूर्व मेयर यशपाल राणा जी भी हैं जो प्रदेश महामंत्री भी हैं। हाँ सर, जैसे कि आपके द्वारा खाना राहत सामग्री वितरण की गई है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, भाजपा के लोग जुमलेबाजी करते हैं, ये आपने देखा है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी का एक छोटा सा हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, ऐसी कोई भी उत्तराखंड की विधानसभा नहीं है जहां प्रदेश अध्यक्ष जी ना जा रहे हैं। इस कोरोना महामारी के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष की टीम है, जितने कांग्रेसजन हैं, सब मिलजुल कर गरीब आदमियों की मदद कर रहे हैं और भाजपा के लोग आज की डेट में राजनीति कर रहे हैं। तो इस कोरोना महामारी के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के लोग जुमलेबाज लोग हैं, मैं कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस देश में इस प्रदेश में गरीब उठे। मैं हमेशा पूंजीपतियों की पैरोकारी करते रहे हैं, कभी भी आप देख लो, चाहे उस संघ के लोग हों चाहे आज आप अडानी हो अमानी हो, तो सब पूंजीपतियों के करते हैं। कांग्रेस ही पार्टी एक ऐसी है जो हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है और जितने भी प्रवासी आ रहे हैं वे सब कांग्रेस जनों की सहायता से आ रहे हैं, चाहे कहीं ना कहीं आप देख रहे, जैसे पंजाब से जितने भी प्रवासी आए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उनका किराया दिया है, जहाँ जहाँ भी कांग्रेसी गवर्नमेंट, जैसे प्रियंका गांधी जी ने 1000 बस देने का कांग्रेस ने वादा किया था, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी आपने देखा है क्या काम किया है, हमारी बसें तक के वापस कर दी। गरीब आदमियों को चाहते ही नहीं कि वे अपने घर पर पहुँचे। तो इसलिए आने वाला 2022 आप देख लेना कांग्रेस का है और जनता सब इनका ढोकलेबाजी जान चुकी है। जैसे कि भाजपा सरकार वादे करती है ये कि जो आइसोलेशन सेंटर बना देगी है, जो हमारे जो मरीज हैं वो सही नहीं, देखिए जब तक कि वो वैक्सीन नहीं बनेगी कैसे आइसोलेशन सेंटर बना देंगे? आप लोगों के सामने है, मुझे एक बता दें एक मरीज वहाँ पे गया हो क्लियर? कोई भाजपा वाले हमेशा जुमलेबाजों की सरकार है, कुछ नहीं कर रही गरीब आदमियों के लिए, कुछ नहीं कर रही। जिन जो कोरोना मरीज भी हैं उन्हें भी पड़ोसी बता रहा है कि आज मेरे यहाँ बाहर से आदमी आया है उसका ज़रा टेस्ट कर लें तो पता लग रहा है। जब तक कि आप टेस्ट नहीं करेंगे प्रॉपर तो कैसे पता लगेगा? आपको प्रॉपर टेस्ट करने चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। जैसे कि हमारे साथ पूर्व मेयर यशपाल राणा जी भी थे, उन्होंने भी ये बताया कि जो वादे भाजपा की सरकार करती आ रही है वह सारे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस समय हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि जैसे कि आज राहत सामग्री वितरण करी गई है, तो इसमें जानते ही जो सरकार है कितनी कारगर साबित हुई है, तो सरकार से कितनी कारगर साबित हुई है इस वैश्विक महामारी में। प्रदेश की राज्य सरकार कोरोना 19 में बिल्कुल फेल रही है, ना तो इसने बाहर से आने वाले लोगों की कोई व्यवस्था की, ना हमारे यहाँ कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड सिवाय हरिद्वार के पूरे उत्तराखंड में कोई अस्पताल नहीं है। हमारे यहाँ 100 ICU भी नहीं है और आज हमारे यहाँ 1600 से ज़्यादा केस हो गए और मुझे लग रहा है उत्तराखंड जो है देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होने जा रहा है। जैसे कि सर भाजपा सरकार बड़े बड़े वादे करके आई है कि हमने इतने आइसोलेशन सेंटर बना दिए हैं, देखिए आइसोलेशन सेंटर जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उनमें अव्यवस्था का इस कदर का आलम है। अभी रात पता लगा है कि एक आइसोलेशन में जो भर्ती था वहाँ पर उसने आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। ये बड़ा ही दयनीय स्थिति हमारे प्रदेश में बनती जा रही है और पीछे भी देखा होगा एक 6 साल की बच्ची जो सांप के काटने से मर गई थी। और ये इन्होंने जो पेड आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, सेल्फ क्वारंटाइन का जो उन्होंने कंसेप्ट निकाला है वो बिल्कुल छलावा है प्रदेश की जनता के साथ, और सरकार की तरफ से एक भी कोई ऐसा कदम देखने को नहीं आया है जिससे जनता लाभान्वित हो सके। इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से ये अपने डिजिटल रैलियों के चक्कर में उत्तराखंड में, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वो किस मुँह से उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे थे। वो अपने बूथ लेवल के मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनकी ज़मीन यहाँ पर निश्चित ही पूरे देश भर में खिसक चुकी है और वो आने वाले समय में इस चीज़ को वो भांप चुके हैं और वो अभी से लोगों को मरता हुआ छोड़कर अपनी राजनीतिक ज़मीन को संभालने पर भारतीय जनता पार्टी लग गई है।